हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर है और 16 नवंबर को हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, जो सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस इन कंसर्न ऑफ कल्चर एंड डाइवर्सिटी। यानी आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस है विभिन्न संस्कृतियों और विविधताओं के संदर्भ में। आखिर ऐसा क्या है जो इसे सेलिब्रेट करने की जरूरत है, तो उसके लिए हम पहले चले यूनेस्को के बारे में जाने। 1946 में 3 इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड हुए, ठीक है, 1946 में। तीनों वर्क कर रही है अंडर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से एक है यूनेस्को, दूसरे का नाम है UNDP और दूसरे का नाम है तीसरा यूनिसेफ। यूनिसेफ हम बाद में बात करेंगे, हम UNDP की बात भी बाद में करेंगे, हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ, UNDP के अलावे किससे, यूनेस्को से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में देखें तो तीन चीजों पर फोकस किया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड मतलब साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें तीन शब्द आए, एजुकेशन, वैज्ञानिकता और संस्कृति। तो एजुकेशन, वैज्ञानिक सोच और संस्कृति के आधार पर यूनेस्को जो है बड़े लेवल पर शांति स्थापना के काम करती है बेसिक लेवल पर। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो यूनेस्को के जो घोषणा पत्र है चार्टर, उसमें क्या लिखा है वो जानिए। यूनेस्को के चार्टर में लिखा हुआ है, चूंकि युद्ध यानी हिंसा, चूंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, अतः शांति के उपाय भी वहीं से करने चाहिए। अगर हम सभी लोगों के संस्कृति का आदर करें, हम शिक्षा को उस ख्याल से, उस तरीके से बनाए कि समभाव पैदा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, तो किसी भी सूरत में विभिन्न समुदायों, संस्कृति वाले लोगों के बीच में कोई झगड़े, लफड़े, वैमनस्य नहीं होगी। तो इस आधार पर बेसिक लेवल पर यूनेस्को जो है इंटरनेशनल लेवल पर, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कई देशों के सदस्य देशों के जो बाल पुस्तिकाएं होती हैं, चिल्ड्रेंस के स्कूल्स के प्राइमरी स्कूल के सिलेबस होते हैं, उसमें भी उसके विशेषज्ञ शामिल होते हैं ताकि उस लेवल पर काम किया जा सके। आप देखते होंगे कि प्राइमरी लेवल के स्कूल के बच्चों की किताबों में जो कैरेक्टर्स होते हैं कहानी के दौरान, वो ईसाई नाम वाले, मुस्लिम नाम वाले, हिंदू नाम वाले, पारसी नाम वाले, हर तरह के होते हैं। ये मायने हैं। तो याद रखिएगा, यूनेस्को के चार्टर्ड में ही है ये बातें कि चूंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से आरंभ होता है, अतः शांति के उपाय भी वहीं से करने चाहिए। तीन लेवल पे, संस्कृति, वैज्ञानिक सोच और जो मैंने कहा शिक्षा। तो यूनेस्को ये सेलिब्रेट करती है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस इन रिगार्ड्स ऑफ कल्चरल एंड डाइवर्सिटी। समझ में आई बात, आज कौन सा दिन है तो समझ, आज सहनशीलता का दिवस है। अगर हम सबके बारे में जान लें तो सहनशील हो ही जाएंगे। इसके साथ ये मैं अपना छोटा सा वीडियो आपको समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।